हिमाचल प्रदेश के हरौली विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष नेता मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में महिला कांग्रेस द्वारा महंगाई के मुद्दे पर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन रैली निकाली, जिसके बाद महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष जैनफ चंदेल भी विशेष रूप से मौजूद रही। पहले कहते महंगाई को डायन बोलते थे, उस पे गाने बने हुए हैं, हैं? और आज जो है हर बंदा परेशान है। बाकी बातें तो छोड़ो कि पेट्रोल कहाँ है, डीजल कहाँ है, सरिया कहाँ है, सीमेंट कहाँ है, उन बातों को छोड़ो, लेकिन मुझे लगता है कि ये महिलाओं के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, फ्रेब हुआ है, और इसकी निर्णायक लड़ाई अपनी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ मिलकर हम लड़ेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने महंगाई को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदों के साथ जनता ने भाजपा की सत्ता पर विश्वास किया, उन सपनों और उम्मीदों को कुचलकर भाजपा अपने एजेंडे पर काम कर रही है। आज बढ़ती महंगाई लोगों के लिए दो वक्त की रोटी भी मुश्किल कर रही है।